फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे न्यू पॉइंट्स बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड हम तुम्हें मालूम है, तुमने बहुत सारे बॉन्ड्स के बॉन्ड यानी बॉन्ड 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 बहुत सुना है। वो हॉलीवुड का बॉन्ड 007 वाला, ये अलग है। ये बॉन्ड क्या है? एज ए एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड कंपनी। कंपनी और जो इन्वेस्टर्स थे, इसके बीच में जो कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, उस एग्रीमेंट पेपर को बॉन्ड कहते हैं। फिर क्या है? बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी। बॉन्ड क्या है? एक डेट सिक्योरिटी, यानी जो लोन ले रही है कंपनी, उसके लिए ये सिक्योर्ड होता है बॉन्ड। बॉन्ड इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। बॉन्ड क्या है? इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट है कि जो बोरोड मनी यानी जो लोन से लिया हुआ कैश है वो रीपे करना है। रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, यानी इंटरेस्ट के साथ जो हमने कैश ली है बोरोड से, उसको हम उसका एक जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड इज अ लोन। बॉन्ड इज अ लोन। बॉन्ड इज ए क्या है? लोन है। बॉन्ड क्या होता है? लोन होता है। द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन। बॉन्ड होल्डर, जिसके पास वो पेपर है, जो एग्रीमेंट का पेपर है, वो एज अ लेंडर। लेंडर मीन्स जो कैश प्रोवाइड करने वाला, क्रेडिटर्स जैसे कहा जाता है कि जो कैश प्रोवाइड करता है उसे, किसको कैश प्रोवाइड? द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशंस। वो इंस्टीट्यूशंस का लेंडर है, कंपनी का लेंडर है। ही इज अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी। बॉन्ड होल्डर क्या है? ही इज अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी। कंपनी का वो क्रेडिटर्स है, क्योंकि कंपनी को उसको कैश पे करना है विथ इंटरेस्ट। इसीलिए क्या कर रही है कंपनी? एग्रीमेंट कर रही है, उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड। ही गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड होल्डर गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर ये बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी। बॉन्ड एक डेट सिक्योरिटी है। इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। फिर बॉन्ड क्या है? एक पेपर है जिसमें एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है टू रीपे बोरोड मनी। जो बोरोड से कैश लिए उसे पे करने का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उसे बॉन्ड पेपर को हम बॉन्ड कहते हैं। वो इसमें विथ इंटरेस्ट अमाउंट पे की जाती है। बॉन्ड इज ए लोन। बॉन्ड क्या होता है? लोन होता है। द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज ए लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन। जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उसका बॉन्ड होल्डर ये लेंडर होता है, वो कैश प्रोवाइड करता है। ही इज द क्रेडिटर्स। कंपनी का वो क्रेडिटर्स भी होता है ऑफ द कंपनी। ही गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड होल्डर गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रेडिटर्स ने वो कैश प्रोवाइड करता है, उसके बदले में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इज पेड इन कैश एज सर्टन डेट इन फ्यूचर। ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट। बॉन्ड्स को एक मैच्योरिटी डेट होती है, यानी आप कैश, कोई लेंडर है वो आप कंपनी को कैश प्रोवाइड कर रहे हैं 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 5 ईयर्स के लिए, उसके बाद जो मैच्योरिटी डेट है, ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इज पेड इन कैश एज सर्टन डेट इन फ्यूचर। जो सर्टन डेट इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो डेट्स है, उस वक्त वो बॉन्ड्स की जो लोन ली हुई बोरोड मनी है, अमाउंट है, वो कैश में पे की जाती है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर डिक्शनरी में क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेइंग सर्टिफिकेट। बॉन्ड इज अ इंटरेस्ट बेइंग बेरिंग सर्टिफिकेट इशूइंग बाय गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म प्रोमिसिंग टू पे द होल्डर अ स्पेसिफिक सम ऑफ अ स्पेसिफिक डेट। क्या है वेबस्टर डिक्शनरी में बॉन्ड क्या कहा जा रहा है? बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट। ये एक इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट है इशूड बाय द गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म। बॉन्ड्स कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट करता है या फिर ये जो बिजनेस फर्म वो प्रोमिसिंग टू पे, उसमें क्या कहा जाए? प्रोमिसिंग टू पे द होल्डर अ स्पेसिफिक सम एट अ स्पेसिफिक डेट। स्पेसिफिक सम ऑफ स्पेसिफिक डेट, जो अमाउंट है स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक डेट पे किए जाते हैं। दस अ कंपनी बोरोज मनी एंड इशू बॉन्ड्स। कंपनी बोरोज मनी, कंपनी कैश ले रही है एंड क्या इशू कर रही है? एंड इशूज बॉन्ड एज एन एविडेंस ऑफ डेट। जो तुमने बोरो से कैश लिया है कंपनी ने, उसके एविडेंस में कंपनी क्या पे कर रही है, उसके यानी क्या दे रही है कंपनी? बॉन्ड्स। इट इज इशू बॉन्ड्स एंड एविडेंस ऑफ डेट। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन बॉन्ड्स एट फिक्स इंटरवल
और मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स। इंटरेस्ट पे करते वक्त उसका इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट पे या फिर स्पेसिफिक इंटरवल पे उसका बॉन्ड्स की जो अमाउंट है इंटरेस्ट की वो पे की जाती है। तो फिर इसमें फीचर्स बॉन्ड्स में अलग अलग कुछ फीचर्स बताए गए हैं, 4 फीचर्स, जिसमें पॉज फीचर्स है नेचर ऑफ फाइनेंस। नेचर ऑफ फाइनेंस क्या कहा जा रहा है कि फाइनेंस का नेचर ऑफ फाइनेंस क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंस क्या है, उसमें क्या क्या आ जा रहा है। इन अ डेप फाइनेंस, इन अ डेप फाइनेंस, ये नेचर ऑफ फाइनेंस में बॉन्ड्स क्या है, इन अ डेप्ट फाइनेंस, यानी ये डेप्ट फाइनेंस है, एक लोन का फाइनेंस है डेप फाइनेंस। इट इज प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, इट इज डेप फाइनेंस, इट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। द बॉन्ड्स कैन बी इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड, 5 years, 10 years, 25 years, 50 years। नेचर ऑफ फाइनेंस में क्या बताया जा रहा है, इट इज अ डेप्ट, नेचर ऑफ फाइनेंस में इट इज अ डेप्ट फाइनेंस जिस, एंड ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में क्या होता है कि कंपनी 5 years, 10 years, 25 years, 50 years के लिए उसे इश्यू कर रही है। उसके बाद नंबर सेकंड है स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर में हमने देखा जब बॉन्ड्स की स्टडी की, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर इज अ लेंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बॉन्ड होल्डर कौन है, लेंडर, यानी वो कैश प्रोवाइड करने वाला है, हमने देखा था बॉन्ड होल्डर इज अ लेंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के वो क्रेडिटर्स होते हैं। द बॉन्ड होल्डर आर क्रेडिटर्स, बॉन्ड होल्डर आर क्रेडिटर्स, स्टेटस क्या है बॉन्ड होल्डर का, क्रेडिटर। द बॉन्ड होल्डर आर क्रेडिटर्स साइंस दे आर क्रेडिटर्स ऑफ नॉन ऑनर्स, दे आर नॉट इंटाइटल टू पार्टिसिपेटेड इन जनरल मीटिंग। बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर्स है तो वो कोई जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, हमने देखा था शेयर्स डिबेंचर्स में, उसके बाद शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में। They have no voting rights and hence no participant in the management. उनको कोई voting rights नहीं है as क्योंकि वो creditors है, उन्हें कोई management की management में participate नहीं कर सकते हैं और इसके लिए वो creditors है, bond holder as are a creditors. Number third, return on bonds. Bonds return कैसे किया जाता है, bonds पे क्या return दिया जाता है, return on bonds. रिटर्न ऑन बॉन्ड्स में द बॉन्ड होल्डर गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड होल्डर को क्या मिलता है रिटर्न ऑन बॉन्ड्स में, इंटरेस्ट, कैसे, फिक्स रेट पे। द बॉन्ड होल्डर गेट्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज अ पेएबल एट, इट इज अ पेएबल एट इंटरवल और नॉन मैच्योरिटी और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, यानी एक रेगुलर इंटरवल पे उन्हें कैश इंटरेस्ट पे किया जाता है बॉन्ड होल्डर को और मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, यानी जब मैच्योरिटी बॉन्ड की मैच्योरिटी होगी तब। उसके बाद नंबर 4, रीपेमेंट। बॉन्ड का रीपेमेंट कैसे किया जाता है, बॉन्ड्स का रीपेमेंट कैसे करते हैं, जब बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट एंड होगी तब उस बॉन्ड्स का रीपेमेंट किया जाता है। हमने देखा फ्यूचर के एक स्पेसिफिक डेट पे स्पेसिफिक अमाउंट पे की जाती है। बॉन्ड्स हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड। प्रिंसिपल अमाउंट मीन बेसिक अमाउंट, जो अमाउंट इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए, तो फिर मैच्योरिटी डेट पे स्पेसिफिक जो कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ अगर इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो ये था बॉन्ड्स, ओके।